नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ समस्तीपुर के विधायक श्रीमान अतुल इस्लाम साहिन सर है और इनसे जानकारी लेंगे। और अभी जो चर्चा में है, पूरा चर्चा का विषय बन चुका है पूरा जिला में और पूरे बिहार में, जो दरभंगा से पटना की ओर जाते थे तो मुक्तापुर गुमती पे कहीं ना कहीं अगर फाटक बंद है तो जाम लगना ही है। और एक तरफ भोला टॉकीज, वहां पर भी जो शहर के बीचों बीच जो भोला टॉकीज है वहां पे जाम लगना जो है अनिवार्य हो जाता था जैसे ही फाटक गिरा रहता था। और अभी जो है हाल ही में मंजूरी मिल गया है दोनों जगह पे, एक जगह आरओबी और एक जगह फ्लाईओवर का। सर है और सर से विस्तृत जानकारी लेंगे सर। और सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे क्योंकि सभी लोग जो है सुनने के लिए होंगे कि मतलब किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है और काफी दिनों से आप सर मेहनत कर रहे थे ये दोनों जगहों को लेकर, क्योंकि यहाँ की जनता जो है काफी परेशान थी सर। देखिए, ये समस्या आज का नहीं है जी सर। और जितना भी ब्रिज बना, अंग्रेज के जमाने में ही ब्रिज बना जी, रेल चालू हुआ, धीरे धीरे रेल की संख्या बढ़ती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई, रेल की संख्या बढ़ती चली गई और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई जी। तो ब्रिज इतनी गाड़ियां हो गई कि हर थोड़ी देर पर गुमटी गिर जाता है जी जी, और बड़ी जाम लग की स्थिति हो जाती है। और पिछले 20-30 साल से समस्तीपुर में भी भोला टॉकीज गुमटी एक गंभीर समस्या था, 10-12 साल से नहीं बल्कि 20-30 साल से जी समस्या था। और भोला टॉकीज नहीं, जितने भी शहर है सब जगह इस तरह की समस्या से जूझ रहे थे। जब MLA हम बने तो हमने देखा कि भाई पूरा शहर में जाम लगा होता है, पूरा ताजपुर रोड भी जाम हो जाता है उधर जी जी। तो इसको विधानसभा में आप लोगों ने भी देखा, पत्रकार हैं, हमने विधानसभा में हर साल उसको 2-4-5 बार उठाया और सरकार का आश्वासन मिलता रहा। जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे तभी इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसमें अहम रोल लालू जी का रहा है। 2009 में जब मंत्री बने थे उसी समय स्वीकृति इसको मिली थी। उसके बाद लगातार मेरा प्रयास रहा विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार व्यक्तिगत रूप से मेरी मिल के बात हुई और मुख्यमंत्री जी स्कूल के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन्होंने कहा था करे आपके घर के बगल में है वही नल। हमको आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री जी कितनी अच्छी याददाश्त है, जो पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी जब उन्होंने कहा कि आपके घर के बगल में है वही नल। तो आश्वासन विधानसभा में मिला था। समझिए, जब विधानसभा में या पार्लियामेंट में कोई सदस्य अगर प्रश्न करता है और सरकार आश्वासन देती है कि शीघ्र इस पर हम काम करेंगे, इसको बनवाएंगे, तो उसकी बाध्यता होती है कि आश्वासन के आलोक में उसको आपको करना है, अन्यथा कोई भी आदमी उस सरकार के आश्वासन को लेके कोर्ट भी जा सकता है। इसलिए आश्वासन हमको 2-3 बार मिला हुआ था पिछले 3-4 साल से कि जल्द से जल्द आपके बनेंगे। दिक्कत ये आ रहा था कि 50-50 कॉस्ट शेयरिंग है, जब भी रेल ओवर ब्रिज बनता है तो 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है और 50% पैसा रेल डिपार्टमेंट देता है। तो दो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच का मसला था और इस पर क्या क्या समस्याएं पैदा हुई शायद समस्तीपुर जिला के कोई भी प्रतिनिधि ठीक से नहीं जानते होंगे। रेल अधिकारी ने पहले जब इसको हमने उठाया था, जब इसका प्रस्ताव बना, DPR बना, DPR बन करके स्वीकृति मिल गई, उसके बाद भी यह कैंसिल हो गया था। यह बात किसी को पता नहीं होगा। और कैंसिल होने की वजह यह हुई कि वो चौड़े पुल का प्रस्ताव पास हो गया जो लगभग 80-85 फीट का पुल जो बनता है बड़े शहरों में वैसा बन के पास हो गया। वैसा बनने से कठिनाई ये हुई कि बहुत सारे मकान और दुकान टूट रहा था जिसके वजह से 250 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ता सरकार, नुकसान कहीं ना कहीं 250 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ता जिसका भी मकान दुकान टूटता। जिस कारण से रेल डिपार्टमेंट ने निर्णय किया कि इतना पैसा नहीं देंगे और हम यहाँ पे पुल नहीं बनाएंगे, कहीं और बनाएंगे जहाँ पर हमको 200 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया अतिरिक्त नहीं खर्चा करना पड़े पुल के अलावा। तो उसको कैंसिल किया जा रहा था। फिर मेरी बात रेल के आला अधिकारी से, उन्होंने कहा कि हम भोला टॉकीज पे पुल बनाना संभव नहीं है क्योंकि 250 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, हम कहीं और ले जाएंगे उसको। तब हमने कहा कि इतनी चौड़ी पुल बनाने की आवश्यकता क्या है, आप उससे कम बनाइए कि किसी का दुकान मकान भी न डूबे और सरकार को 250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ मुआवजा के तौर पर न देना पड़े। तो उन्होंने कहा कि यह निर्णय हम नहीं करेंगे, बिहार सरकार यह कहे कि भाई हमारे पास इतना पर्याप्त जगह नहीं है और इसको कम में बनाया जाए तभी हम इसको कैंसिल करेंगे, वरना हम इस प्रस्ताव को बना के आगे भेज दिए हैं, या तो उसी में स्वीकृति मिलेगी नहीं तो कैंसिल होगा, तो कैंसिल ही होना है। तब बिहार सरकार से हमने बात करके उसको वो कैंसिल कराया और फिर कम चौड़ा का, लगभग 40-42 फीट चौड़ा का, जो 80 फीट था उसको 40-42 फीट का करा करके उसको पास कराया ताकि दुकान मकान सब न टूटे और बने। तो इस तरह का लंबे संघर्ष के बाद
हुआ है, इसके लिए पूरे समस्तीपुर की जनता को बहुत धन्यवाद। सब लोगों का मेहनत है, हम क्यों श्रेय लेने के और में हम नहीं है। लेकिन सर ये जो पूरा कहानी है, क्योंकि बहुत लंबा है, ये आज की कहानी नहीं है, और जाम से जो है आज से नहीं, बहुत सालों से जूझ रहे हैं सर। कुल एक महीने दो महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है सुधीर, जब तक उस पे सालों साल वो सवाल पार्लियामेंट में, विधानसभा में आला अधिकारी के बीच जाता है, उसका DPR बनता है, उसकी स्वीकृति होती है, तमाम आला अधिकारी का उस पे हस्ताक्षर होता है, रेल के आला अधिकारी का, बिहार सरकार का, ये सब साल दो साल चार साल का प्रोसेस होता है। कोई ये कहे कि आज 15 दिन में एक महीना में बना देंगे तो ठीक है, ये संभव नहीं है। ये जनता भी समझती है सारी बातों को, तो ये एक लंबे संघर्ष, और तमाम पत्रकार भी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए, कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन करके इस मुद्दे को बराबर ये आंदोलन चलता रहा, जिसके कारण हम लोग भी जागते रहे और विधानसभा में लगातार उठाते रहे, और अभी विधानसभा 4 दिन के बाद खुलना है। फिर मेरा प्रश्न था कि भाई सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि शीघ्र इसको स्वीकृति देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। जो प्रश्न हम लोग विधानसभा खुलने से एक महीना पहले डालते हैं वो हम डाल चुके थे कि अगर नहीं बनता तो फिर मेरा प्रश्न आता 22 को आएगा, 22-25 तारीख को फिर मेरा वो प्रश्न आएगा, तो हम प्रश्न उसको वापस लेंगे और सरकार को धन्यवाद देंगे। अब क्या लगता है सर, पूरा अपना बिहार में और समस्तीपुर का कैसे मतलब विकास का? देखिए हम लोग विपक्ष में लंबे समय से रहे हैं, फिर भी अपने क्षेत्र में लगातार काम करने की कोशिश की है। अभी समस्तीपुर शहर को जाम से बचाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी पे 80 करोड़ का पुल पास करवाए हैं, निर्माण आधा हो चुका है। एक बाईपास, दो बाईपास शहर को दे रहे हैं, जो आने वाले साल दो साल के अंदर 2 बाईपास आपको नजर आएगा। जितवारपुर से 1 बाईपास नेशनल हाईवे को मिलेगा, एक मुसी घाड़ी से सीधे चकनोड में एक 6 लेन बन रहा है उस पे आके मिलेगा। शहर के जल जमाव को से बचने के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति तेजस्वी जी जब नगर विकास मंत्री थे उनसे हम लोगों ने पास कराया, और 45 करोड़ रुपया और देना है। एक शहर में बड़े पार्क का प्रस्ताव बना करके भेज चुके हैं 20 करोड़ का, कोरबद्धा पंचायत है DRM ऑफिस के बगल में, वहाँ पे 20 करोड़ का एक पार्क बना करके छोटा मोटा पार्क बनवाया है। तो इस तरह का हम लोग की कोशिश है, हर पंचायत के तमाम सड़कों का निर्माण हो, विद्यालय हो, सब जगह हर पंचायत में उच्च विद्यालय हो, हर गांव में बिजली हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब पे काम हो रहा है। अभी हम आए हैं बागी पंचायत में, ताजपुर में है, यहाँ पर 3 किलोमीटर की सड़क लगभग करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है, जो हमने अनुशंसा किया था उसी को निगरानी करने के लिए आए हैं। ताजपुर से लेकर समस्तीपुर तक लगभग गांव की सड़कों का निर्माण किया है, 2-4 सड़कें बची होंगी जिसको भी शीघ्र अति शीघ्र करना है। अभी भी सर कहीं कहीं गांव में क्या होता है कि बहुत सारा सड़क है जो कि मतलब कच्ची है, बहुत सारा ऐसा ऐसा गांव है जहां पे मतलब उतना विकास जो नहीं हुआ है। अभी भी अगर बारिश होता है तो पूरा देखते होंगे वीडियो, कहीं ना कहीं से आते रहता है कि यहां पर पानी लग गया इस तरफ से, मतलब उस पर भी ध्यान। सड़कों का निर्माण मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य सड़कें हैं उसका निर्माण हम लोग कराते हैं, गाँव में जो गली उली है उसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि, वार्ड कमिश्नर लोग होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि लोग होते हैं वो लोग देखते हैं। और सरकार रोड बना रही है, नाली नहीं बना रही है, ये भी इसीलिए सरकार को यह चाहिए कि अब आबादी बिहार में डेंस पॉपुलेशन है तो उसमें रोड के साथ साथ नाली का प्रोविजन करना चाहिए, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि तो छोटा नाली बनाएंगे 200-400 फीट बनाएंगे, अब लंबा नाली जैसे बागी पंचायत में देखिए तो 1-2 किलोमीटर का नाली चाहिए, तो ये सरकार ने प्रोविजन नहीं कर रखा, इसलिए MLA MP की बात नहीं है, या तो सांसदों को यह व्यवस्था दिया जाए, केंद्र सरकार करे, भारत सरकार की भाई नाला बनने का, या जो रोड जो भी रोड बन रहा है उसमें नाली की व्यवस्था सरकार करे, तब ना हम लोग देंगे जी। हम लोग तो ये हमारी कोशिश होगी जी। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विकास की ओर पूरे समस्तीपुर जो है आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप लोग कमेंट करेंगे कहीं ना कहीं आपके यहाँ विकास तो हुआ ही है, और शाहीन सर का क्षेत्र में अगर विकास ना हो ये हो नहीं सकता है, और आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।